जय हिंद बच्चों, आज हम लोग स्लाइम वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। स्लाइम वर्ल्ड किंगडम प्रोटिस्टा का क्लास है। किंगडम प्रोटिस्टा में 5 क्लासेज होते हैं, क्राइसोफाइट, डाइनोप्लेजलेट, यूग्लेनॉइड, स्लाइम वर्ल्ड और प्रोटोजोअन। तो हम लोग आज स्लाइम वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो स्लाइम वर्ल्ड सेप्रोफिटिक होते हैं। स्लाइम वर्ल्ड जो होते हैं ये सेप्रोफिटिक होते हैं। सेप्रोफिटिक का मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डेड और डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हों, ठीक है, सड़े और गले खाद पर ग्रो करते हैं, उसी को हम लोग सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो स्लाइम वर्ल्ड सेप्रोफिटिक होते हैं। स्लाइम वर्ल्ड सेप्रोफिटिक होते हैं जो कि सड़े और गले ऑर्गेनिक डिकेइंग मैटर पर ग्रो करते हैं और उसी में सर्वाइव करते हैं। उसमें जितने भी ऑर्गेनिक मैटर रहता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस रहता है, उन सबको एब्जॉर्ब करके अपना भोजन बनाते हैं, अपना जो है तो फूड बनाते हैं। तो स्लाइम वर्ल्ड सेप्रोफिटिक होते हैं जो कि डेड और डिकेइंग मैटर में ग्रो करते हैं। नॉर्मली ये डार्क और डैम्प प्लेसेस में पाए जाते हैं, ठीक है। स्लाइम वर्ल्ड नॉर्मली फाउंड इन डार्क एंड डैम्प प्लेसेस, ठीक है, ये डार्क और डैम्प प्लेसेस में ये नॉर्मली प्रेजेंट रहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अगर फेवरेबल कंडीशन रहता है, ठीक है, अगर फेवरेबल कंडीशन रहता है तो उस फेवरेबल कंडीशन में स्लाइम वर्ल्ड क्या करते हैं कि एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है, इकट्ठा होकर एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस नए स्ट्रक्चर को हम लोग प्लाज्मोडियम नाम देते हैं। तो उस नए स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देते हैं, प्लाज्मोडियम। तो इन द केस ऑफ फेवरेबल कंडीशन या सुइटेबल कंडीशन, स्लाइम वर्ल्ड एग्रीगेट, देन दैट एग्रीगेशन इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम कैसे बनता है, प्लाज्मोडियम जो है तो स्लाइम वर्ल्ड के एग्रीगेशन से बनता है, जो कि फेवरेबल कंडीशन में ये सारे स्लाइम वर्ल्ड एग्रीगेट हो जाते हैं और ये इस एग्रीगेशन नए स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं प्लाज्मोडियम। ये जो है तो नोटोरियस नहीं होता है, ठीक है, ये नोटोरियस नहीं होता है, ये खतरनाक नहीं होता है। एक प्लाज्मोडियम होता है जो कि हम लोग प्रोटोजोन में पढ़ेंगे, वो काफ़ी नोटोरियस होता है, काफ़ी डेंजरस होता है और उसी के चलते जो है तो एक बीमारी होती है। उस बीमारी के बारे में हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। अगर अनफेवरेबल कंडीशन रहता है, ठीक है, ऐसा कंडीशन जिसमें वो सर्वाइव न कर सके, ठीक है, तो उस समय ये प्लाज्मोडियम क्या करता है कि डिफरेंटिएट करता है, ठीक है, डिफरेंटिएट करता है और फिर से एक नया स्ट्रक्चर बनाता है और उस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं फ्लूटिंग बॉडीज, ठीक है। तो उस नए स्ट्रक्चर को हम लोग नाम क्या देते हैं, फ्लूटिंग बॉडीज। तो अंडर अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफरेंटिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज के टिप पर मतलब जो आखिरी वाला हिस्सा होता है उस पर बहुत सारे जो है तो स्पोर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उस पर बहुत सारे तरह तरह के स्पोर प्रेजेंट होते हैं। तो वही लिखा है, ऑन द टिप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स विच आर प्रेजेंट। तो फ्रूटिंग बॉडीज के टिप पर बहुत सारे स्पोर प्रेजेंट होते हैं। ये है फ्रूटिंग बॉडीज का स्ट्रक्चर, इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये येलो कलर का जो दिख रहा है, ये गोल सर्कल सा जो दिख रहा है सर्कल में, गोला में, तो इसको हम लोग फ्रूटिंग बॉडीज नाम देते हैं। और ये जो नीचे रेड वाला दिख रहा है पार्ट, ये फ्रूटिंग बॉडीज का स्ट्रेन है, ठीक है, ये स्ट्रेन है। ये क्या है, स्ट्रेन है। और ये जो येलो कलर का ये गोल सा दिख रहा है, इसको हम लोग फ्रूटिंग बॉडीज
कहते हैं, फ्लूटिंग बॉडीज के ऊपर हम बताए थे कि छोटे छोटे स्पोर प्रेजेंट होते हैं, टिप पर स्पोर प्रेजेंट होते हैं। तो वही ये वाइट कलर का जो दिख रहा है ये स्पोर है, ठीक है, ये स्पोर है। और एक स्पोर को हम लोग जूम करके यहाँ पर देखते हैं तो जूम करने के बाद पता चलता है कि इसमें ट्रू वाल प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें स्पोर में जो फ्लूटिंग बॉडीज के टिप पर स्पोर जो प्रेजेंट होता है उसमें ट्रू वाल प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसमें ट्रू वाल प्रेजेंट होता है। ट्रू वाल प्रेजेंट होने के कारण ये काफ़ी जो है तो रेजिस्टेंट, ठीक है, ये काफ़ी रेजिस्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये काफ़ी रेजिस्टेंट होता हो जाता है, जो कि इसको एनी फेवरेबल एनी कंडीशन में इसको टॉलरेट करने की क्षमता देता है, ठीक है। तो ट्रू वाल मैक्स द स्पोर, ट्रू वाल मैक्स द स्पोर रेजिस्टेंट विच कैन टॉलरेट एनी कंडीशन, विच कैन टॉलरेट एनी कंडीशन, विच कैन टॉलरेट एनी कंडीशन। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे हम लोग का आज का लेक्चर ख़त्म हो गया है और अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो जो है तो प्रोटोजोअन होगा, ठीक है। प्रोटोजोअन के बारे में हम लोग कम्प्लीटली बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर ख़त्म हो गया, द एंड।